everyone, welcome to my channel Fashion and Fairy by Reed. How are you doing all? Hope you all are doing well. And yeah, Corona ne to sabko dara rakha hai. And here I am at home today. Yeah, it's Monday but still I'm at home. Koi kaam tha nahi, bilkul free hoon. Aur kahin bahar ja bhi nahi sakti hoon kyunki itna panic hota hai. और अगर कहीं गई तो लोग बोलेंगे आप बाहर कैसे घूम रहे हो, मत घूमो, या तो अगर घूम रहे तो मास्क लगा लो. और मैं मास्क लगाने के ना पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है. उससे बेटर है आप घर में बैठ जाओ, अगर कोई काम ना हो तो टीवी देखो. और आप लोग के साथ बात कर लेती हूँ, सोचा घर पे हूँ, फ्री हूँ, तो आप लोग को क्यों ना पकड़ लूँ बोर करने के लिए. एंड लुक द व्यू बिहाइंड मी. It's sunset time and it looks so beautiful. Isn't it? बहुत सुंदर लगता है ना सनसेट के टाइम पे. थोड़ा लेट हो गया और पहले आती तो पूरा स्काई रेडिश रेडिश था. एंड पीछे से बिग बाजार भी दिखता है. दिस इज बिग बाजार. ठीक जहाँ पे मेरा फिंगर है ना, दैट इज बिग बाजार. So, people who are new in my channel, please do subscribe the channel and be a member of my YouTube family and hit the like button. Please don't forget to press the bell icon while you are subscribing my channel. क्योंकि जब तक आप bell icon press नहीं करोगे तब तक आपको मेरे videos का notification नहीं मिलेगा. अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो please bell icon के साथ ही सब्सक्राइब करना. ओके एंड कोरोना ने तो सबको डरा के रख दिया. एक्चुअली मैंने अभी तक इस चीज़ के बारे में कुछ बात ही नहीं किया आप लोगों से, क्योंकि हर कोई हर जगह बोल रहा है कोई चीज़ के बारे में ना, स्पेशली बीमारी के बारे में या कोई भी नेगेटिविटी के बारे में. मुझे बहुत ज़्यादा बात करना या सुनना पसंद नहीं है क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे, तो मैंने सोचा कि मैं जाने दो नहीं करती हूँ. मेरी मॉम कहती है कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा बात करोगे ना, उस चीज़ को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सुनोगे ना, उस चीज़ को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. बीमारी के बारे में ज़्यादा बात करोगे या सुनोगे तो उस चीज़ को भी आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. वैसे भी टीवी ऑन करो तो कोरोना, न्यूज़पेपर पढ़ो तो कोरोना, किसी को फ़ोन लगाओ तो कॉलर ट्यून पे कोरोना, यूट्यूब पे आओ तो कोरोना, फेसबुक पे जाओ तो कोरोना. कोरोना ने तो मतलब कोरोना यू प्लीज ना गो, ना गो, वो बहुत हो चुका है. आपने बहुत तांडव मचा लिया, अब जाओ. सीरियसली बहुत हद हो गई है इस चीज़ को लेके. एनीवेज क्योंकि भी बैंगल्स दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि वो टाइम पे ना पैक हो चुका था. एक बाहर था जो मैंने आपको दिखाया था, दिस वन मैंने आप लोगों को दिखाया था. टोटल मैंने ये लिए इतने सारे और ये मुझे 300 के पूरे पड़े, 300 रुपीज़ के इतने. अगर मैं यहाँ के मेरे यहाँ के लोकल शॉप से लेती थी ना, लोकल जो स्टोर्स है यहाँ ज्वेलरीज़ के, वहाँ ये ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ पड़ता था. मैंने मार्केट वेरीफाई किया और जब मैंने जूहू में देखा कि इतना वैरायटी है बैंगल्स के, तो मैंने सोचा यहाँ से ले लेती हूँ. पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है, बैंगल्स और एंकलेट के मुझे बहुत शौक है, तो इसके लिए मैंने ले लिया. मतलब गिफ्ट मिला मुझे मेरी फ्रेंड से. पता नहीं मुझे उसने बिल्कुल झगड़ा हो गया था. मैं बोली नहीं दो तुम मुझे प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. एंड शी वॉज लाइक नो मीन्स नो, नहीं तो मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊंगी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, ये लास्ट टाइम है ना. आई सेड फाइन ओके ठीक है. तो ये उसने मुझे मेरी फ्रेंड दीपा दी एंकर शी गिफ्टेड मी दिस इन 300 रुपीज़. इट वॉज रियली रिजनेबल. ये 1000 रुपये पड़ जाएगा अगर मैं मेरे यहाँ के स्टोर से लेने जाऊँ तो. आओ जब हम ना बोर होते हैं, कुछ काम नहीं होता है, घर पे बैठे होते हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आता ना, वो बोरिंग डेज को हम लोग है ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं. जैसे कि मैंने आज किया, जोमेटो से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. सो वी आर डूइंग पिज़्ज़ा पार्टी एट होम. हाँ, सो आई फिनिश्ड माय पिज़्ज़ा एंड केम इन माय रूम एंड नाउ अ वेरी
important thing I'm going to say, people who are connected with me, आप लोग जो लोग मेरे साथ connected हो ना, मुझे ऐसा लगता है आपके साथ में ना एक रिश्तेदारी हो गई है. आप लोगों के साथ में ऐसा लगता है हम लोग कभी मिले नहीं हैं आमने सामने, लेकिन ऐसा लगता है जब हम लोग comment में बात करते हैं ना, जब आप लोग मुझे कुछ बोलते हो मैं आपको reply करती हूँ, मुझे इतना अच्छा फील होता है ना कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में. मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग अलग अलग कंट्री से हैं, हम लोग अलग अलग स्टेट से हैं, और आमने सामने कभी नहीं मिलने के बावजूद भी एक आत्मा के साथ, आत्मा का जैसा रिलेशन होता है ना, वैसा रिलेशन आपके साथ मेरा हो गया है, तो मुझे ना बहुत अच्छा फील होता है. दूसरी बात यह है कि आज मैं सुबह किसी का ब्लॉग देख रही थी, तो वो जो मैम थी जो ब्लॉग में जिनका चैनल है, वो बोल रही थी कि मेरे वीडियोस में आजकल दो तीन हमेशा हर वीडियो में डिसलाइक्स आ जाते हैं, एक दो डिसलाइक्स तो रहता ही है, पता नहीं क्या कौन लोग हैं, मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं, मेरी किसी के साथ दुश्मनी है नहीं, तो कौन लोग मुझे डिसलाइक करता है समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है. सो आई रियली फेल वेरी बैड. एक्चुअली डिसलाइक उसके बारे में कुछ बात करने के लिए है नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जो लोग आप लोग मुझे देख रहे हो, जो लोग आप लोग यूट्यूबर्स हो, हमारे हर किसी के वीडियोस में डिसलाइक्स आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग डिसलाइक को ना पॉजिटिवली लीजिए. ये सोचिए कि आपकी वीडियो को हिट कराने के लिए लाइकर्स के साथ में डिसलाइकर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कभी भी मूवीज़ आप देखते हो ना, मूवीज़ में अगर विलन ना हो तो हमें मूवी देखने में मज़ा नहीं आता है ना. इसी तरह अगर आपके वीडियो में डिसलाइकर्स नहीं होंगे ना, तो आपकी वीडियो हिट नहीं होगी. तब तक समझ लेना आपकी वीडियो हिट नहीं है जब तक आपके वीडियोस में दो चार डिसलाइक ना हो. पॉजिटिव ले लीजिए, जैसे डिसलाइक आए तो समझ लेना आपकी वीडियो हिट, और डिसलाइकर्स विलेन का काम करता है हमारे वीडियो में, हमेशा हीरो रहे, हीरोइन रहे, विलेन ना रहे, ऐसे थोड़ी अच्छा नहीं लगता ना. तो खुश होइए, उल्टा और खुशी होइए, और डिसलाइकर्स को थैंक यू सो वेरी मच फॉर डिसलाइकिंग माय वीडियो, लव यू ऑल, ऐसा बोलिए. मैं तो ऐसा बोलती हूँ, ऑल द डिसलाइकर्स लव यू ऑल. हाँ, जितना लाइकर्स है, जितना वेल विशर है, उतना प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी प्यार करती हूँ, क्योंकि आपका भी हाथ होता है मेरे वीडियो को हिट कराने में. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर डिसलाइकिंग माई वीडियो. इस तरह पॉजिटिवली लीजिए और खुश रहिए. और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वीडियो पर, सिर्फ आपकी या मेरी नहीं, हर किसी के वीडियो पर देख लेना, डिसलाइकर्स कम होते हैं और लाइकर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे लोगों की संख्या दुनिया में ज़्यादा है, बुरे लोगों की संख्या कम है. मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि अच्छे लोग हैं दुनिया में, अदरवाइज़ ये दुनिया टिकी नहीं होती, कब की बर्बाद हो गई होती, अच्छे लोग ज़्यादा हैं. तो इसके लिए देखना, कभी भी आपसे प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, आपसे नफरत करने वाले एक दो तीन चार कितना भी हो, लेकिन फिर भी लाइकर्स से कम ही होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं डिसलाइकर्स, कभी मेजॉरिटी में नहीं होता, मेजॉरिटी में हमेशा लाइकर्स होते हैं. आपसे प्यार करने वाले ज़्यादा हैं आपके साथ जुड़े हुए, तो हर चीज़ को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए. YouTube पर कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए आप, कोई भी लता मंगेशकर का सॉन्ग, लता मंगेशकर के सॉन्ग पे डिसलाइक होते हैं, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग में डिसलाइक होते हैं, और भी उससे भी बड़ी चीज़ भगवान के मंत्र पर डिसलाइक होते हैं. आप सोचो, हमारी वीडियो कुछ भी नहीं है इसके आगे, हमारे वीडियोज़ में तो डिसलाइक होना नेचुरल चीज़ है. एक्चुअली ये जो डिसलाइकर्स होते हैं ना, ये लोग खुद में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, खुद में ये लोग अनहैप्पी होते हैं, खुद की लाइफ से अनहैप्पी है, और नाखुश होने के वजह से, अपने आप से नाखुश होने के वजह से लोग दूसरों को नाखुश करने की कोशिश करते हैं. बट नाखुश मत होना, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ऑलवेज बी हैप्पी, टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली, बी पॉजिटिव एंड मेक मोर एंड मोर वीडियोज. ओके, डिसलाइकर्स को पॉजिटिव लीजिए, उनको उनका काम करने दीजिए, और सोचिए कि डिसलाइकर्स आपकी वीडियो को हिट कराने के काम आ रहे हैं, है ना. जब आप कोई भी नेगेटिविटी को पॉजिटिवली लोगे ना, तो और ज़्यादा खुश होंगे आप. और किसी की हिम्मत मुझे ना खुश करे, ये सोचिए, बिल्कुल भी ना खुश मत होना हमेशा. एंड बस आज मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था, सोचा कि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम अगर
मैं थोड़ी सी खुशी सबको दे पाऊँ। अगर कोई ना खुश है किसी भी वजह से, थोड़ी सी ऐसी बात, मतलब इस बारे में बात करके अगर हो सके कि कोई दुखी है और उनको खुशी थोड़ा सा मैं दे पाऊँ। मैं वैसे भी किसी को खुश कर पाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया किसी को खुश करके। और सबको खुश रखना बहुत अच्छी बात होती है। ये बात हर किसी में नहीं होती है कि हर किसी को खुश कर पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ऑलवेज बी हैप्पी, देन यू विल बी एबल टू कीप हैप्पी एवरीवन। जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे तब तक आप दूसरों को खुश नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप किस दूसरों से प्यार नहीं कर पाओगे। और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात है खुद खुश रहिए और खुद से प्यार कीजिए। ओके, एंड बस आज इतना ही। यू पीपल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी हैप्पी, कीप एवरीवन हैप्पी। लव यू ऑल, लव I love each and every member of my YouTube family. Take care of yourself and be connected with me. Bye-bye.